और उसके सारे चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस उसके सारे चट्टे बट्टे, उनके सहजादे, जरा कान खोल करके सुन लो। वंचित मानन का जहां अधिकार मोदी है उसी तार चौकीदार। और ये शहजादे अभी संविधान को माथे पर रख के नाच रहे हैं ना, जरा देश जानना चाहता है क्या भारत की सरकार संविधान के कोख से जन्म लेती है कि नहीं लेती है। जब भारत की सरकार संविधान की कोख से जन्म लेती है तो भारत सरकार की कैबिनेट इस संविधान के कोख से पैदा होती है कि नहीं होती है? भारत सरकार की कैबिनेट को संविधान के द्वारा अधिकार मिले हैं कि नहीं मिले हैं? भारत सरकार की कैबिनेट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट जो संविधान ने बनाई है, उस कैबिनेट ने एक फैसला लिया और ये शहजादे ने पत्रकार परिषद बुला करके उस कैबिनेट के फैसले के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये टुकड़े कागज के नहीं थे, ये टुकड़े संविधान के थे, ये टुकड़े भारत के संविधान की भावना के थे। ये देश संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले ये शहजादे को कभी माफ नहीं कर सकती है। साथियों, रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो या अस्पताल, भाजपा विकास के लिए दिन रात काम मेहनत करती है। झारसुगुड़ा के वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट से कितनी सुविधा हुई है ये हम देख रहे हैं। रोड और रेल के ऐसे तमाम प्रोजेक्ट 4 जून के बाद तेजी से पूरे होंगे। साथियों, आपको भारी संख्या में मतदान करना है। हर बूथ पर कमल के निशान पर बटन दबाना है और जब आप इन सबको कमल से वोट देंगे, जब कमल निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सारे पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए तो बताओ, मेरा काम करेंगे? सब लोग मेरा काम करेंगे? हर कोई करेगा? अच्छा, यहां से फिर ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिलने के लिए जाइए और सबको जाकर के कहना, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय जगन्नाथ कहा है, मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है, मोदी जी ने आपको जोहार कहा है। इतना करोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।